जहां पर लोक स्वराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। महत्वपूर्ण पहलू है कि हमने पहले जनवरी के माह में सबसे आवेदन मंगाए और 11, 12 और 13 पहले चरण में 12, 13, 14 जनवरी को आवेदन आए और 15 जनवरी से लेकर 11 मार्च तक उनको समय दिया गया और उसके बाद 29,08,000 से ज्यादा आवेदन प्रदेश में हुए और अब हम लोग जो विकास यात्रा में जा रहे हैं 11 मार्च से वहीं जाकर समस्या निवारण शिविर में उनके आवेदन का क्या निराकरण हुआ वहां के अधिकारी जनता के बीच जाके बताते हैं। लोग पूछते हैं कि लोक स्वराज का कारण क्या है और महत्व क्या है। ये पूरे प्रदेश के गांव के हमारे खासतौर से शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों के बीच उनकी छोटी छोटी समस्या और छोटी समस्या के साथ साथ ऐसे कुछ शिकायतें भी रहती है उनका जब सामूहिक रूप से वाचन किया जाता है पढ़ के सुनाया जाता है तो वो चाहे वो पटवारी के नामांतरण का हो फौती का हो पटवारी नामा का हो किसी के वार्ड में बिजली नहीं लगा है बिजली का हो उसके यहाँ के नलकूप बिगड़ा है तो नलकूप का हो वहां निस्तार का कोई प्रॉब्लम आ रहा है पेयजल के लिए सिंचाई की कुछ योजना है जो अधूरी है उसका हो या हेल्थ में एजुकेशन के अलग अलग और अभी जो मैक्सिमम डिमांड आया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में लोगों ने उसके आवेदन दिया। इसके मतलब है कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से सीधा जुड़ के लोग आवेदन कर रहे हैं और उसकी सफलता भी है कि आज पूरे प्रदेश में इस अभियान में हम लगे हैं। 6 लाख से ज्यादा आवास हमको बनाना है आधे करीब के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। दूसरा 100% गांव में शौचालय का निर्माण हो गया कुछ पेमेंट बाकी है उसका पेमेंट का भी अप्रैल के सेकंड वीक में निराकरण हो जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश में मैं देख रहा हूं इस विकास यात्रा के 5 से शुरू करके 18 में। अब मैं सुदूर अंचल के गांव में जाता हूं कोरिया से लेकर बस्तर तक सुखद आश्चर्य होता है कि गांव में 800 लोग बैठे हैं पूछता हूं कितने घरों में बिजली लग चुकी है तो 800 में करीब करीब 96% लोग हाथ उठाते हैं हमारे घर में बिजली हो गई। कितने लोगों के शौचालय है अधिकांश लोग हाथ उठाते हैं सभी लोग हाथ उठाते हैं कि शौचालय का निर्माण हो गया। कितने लोग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में कार्ड मिल गया 50,000 का करीब करीब 95% लोगों को वितरण हो गया। राशन का चमत्कारिक असर पूरे 5,000 2,000 4,000 की भीड़ में मैं जाता हूं 10-10 पंचायत के बीच में जाता हूं आशा करेंगे 95% ग्रामीण आबादी के लोगों को चावल मिल रहा है नमक मिल रहा है ट्राइबल एरिया में चना मिल रहा है और सेटिस्फेक्शन लेवल किसी योजना का संतुष्टि का स्तर पूरे लोक स्वराज में जो सबसे ऊपर होता है कि करीब करीब 99% लोगों को इस बात का संतोष है कि समय में राशन मिलता है दुकानें खुलती है और क्वालिटी राइस की और नमक की चरा की बेहतर है। ये किसी सरकार की एक भी शिकायत मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी महोदय पूरी यात्रा में साथ में रहे सुबोध सिंह रहे अमन सिंह रहे और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी इसको और चौथी बात कि छत्तीसगढ़ में जब हम लोगों ने शुरुआत किया था 2003 से सबसे बड़ा बिजली का प्रॉब्लम होता था आज हमारे 100% गांव पारे टोले मंजरे हम आने वाले 2 महीने में 100% पारे टोले मंजरे का विद्युतीकरण कर देंगे। 6,40,000 जो लोग बचे हैं जिनके घर में आज भी अंधेरा है उनके घरों में भी जून तक 100% बिजली लगा देंगे। कुछ जगह में जहां तार नहीं पहुंचा पा रहे हैं
सोलर ऊर्जा से उनको ऊर्जीकृत कर देंगे, यानी छत्तीसगढ़ 100% इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा, 100% शौचालय बन जाएंगे, ओडीएफ हो जाएगा, 100% हमारे यहाँ लोगों को राशन की व्यवस्था जिनको पात्र हितग्राही उनको मिलना शुरू हो गया। तो ये एक अचीवमेंट देखने को मिलता है। और अभी भी नए राशन कार्ड जोड़ने के काम चल रहे हैं। अभी रायपुर में आज ही मैंने देखा कि कैसे लोक सुराज का ये पॉजिटिव रिजोल्व कैसे करते हैं, निराकरण कैसे करते हैं। अभी आज के ही विषय में आया कि 12,000 से ज्यादा लोगों को नए राशन कार्ड जोड़ने का और नए नाम लेने का काम रायपुर में अकेला किया गया। वैसे ही बाजार में करीब करीब 20,000 लोगों का नए राशन कार्ड में जोड़ने का काम किया गया। और जो दूसरे शिकायत थे नवंकंस का और बटवारी रावा का, करीब करीब 90% आज की तारीख तक निराकरण हो चुका है। ट्रांसफार्मर, विद्युत संबंधी, भूमि सुधार, हैंडपंप, इसका भी निराकरण विभाग ने ऐसा किया है कि 0% हो गया है। अभी नई योजना में छत्तीसगढ़ में हमने जो और ज्यादा जिसपे एप्लीकेशन हमारे पास आए थे वो वृद्धावस्था पेंशन के, परित्यक्ता के पेंशन के और दूसरे पेंशन के हितग्राही। अभी तक 13 लाख लोगों को मिलता था, अब 3 लाख अतिरिक्त परिवार जोड़ने का हमने कहा है। अब 16 लाख लोगों को नए राशन, नए उनको स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में उनको पेंशन मिलने की पात्रता होगी। तो हमने 2 महीने का समय दिया है अधिकारियों को कि 2-2.5 महीने के अंदर इस नए गाइडलाइन के अनुसार इनको नाम जोड़ दिया जाए, तो उसका सकारात्मक लाभ लोगों को मिलेगा। यहाँ पूरे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना रायपुर में 13,000, बड़ौदा बाजार में 19,000, धमतरी में 15,000 का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें करीब करीब 80% पूर्ण हो गए हैं। मनरेगा में काम काफी ठीक चल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो गैस का सिलेंडर और चूल्हा हम बांटने की योजना बनाए हैं, जो 200 रुपये में देते हैं, रायपुर में योजना के लाभान्वित 64,000, बलौदा बाजार में 1,02,000 और धमतरी में 65,000 लोगों को लाभ मिला है। एक नया गाइडलाइन अभी अभी 2 रोज पहले आया है, प्रधानमंत्री जी ने उसमें संशोधन कराया है। अब छत्तीसगढ़ के सभी SC और ST फैमिली, अनुसूचित जाति जनजाति के सभी फैमिली पात्रता श्रेणी में आ जाएंगे गैस सिलेंडर के लिए। सभी अंत्योदय अन्न योजना के हितग्राही आ जाएंगे, सभी तेंदुपत्ता संग्राहक आ जाएंगे। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में बस्तर से लेकर सरगुजा तक मैदानी क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है वहां भी हितग्राहियों की संख्या बढ़ेगी और उन्हें भी हमारा लक्ष्य है कि अप्रैल से उनको नाम जोड़ना शुरू कर देंगे ताकि 100% ऐसे हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिले। सौभाग्य योजना में मैंने जिसे बताया, बड़ौदा बाजार में 20,000 घरों में अभी रोशनी नहीं है, वहां 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम, रायपुर में 4,000 परिवार जो बाकी हैं उनके घरों में बिजली पहुंचाने का काम, और सब स्टेशन करीब करीब 45 सब स्टेशन इन तीनों स्थानों में बन रहे हैं, तो सब स्टेशन का काम भी होगा ताकि वोल्टेज प्रॉब्लम सॉल्व हो। RBC की भी समीक्षा की, रायपुर जिले के 21,000 किसान, बड़ौदा बाजार के 1,32,000 किसान, धमतरी के 22,000 किसान। बड़ौदा बाजार में सबसे ज्यादा 84 करोड़ की राशि RBC 6,000 में मिलेगा, रायपुर में 14,000 और धमतरी में 14,000 राशि का वितरण का काम हो रहा है। पेयजल के संबंध में बहुत समस्या मूलक जिन क्षेत्र है वहां के लिए विशेष कार्य योजना, और एक आज निर्णय लिया गया कि डैम में पानी हमारा 50% एवरेज भरा हुआ है। निस्तार के लिए जो हमारे डैम, 4 बड़े डैम जो छत्तीसगढ़ में आते हैं, उन डैम के कैचमेंट एरिया में लगभग 1,300 तालाब, 1,300 तालाबों में पानी देने की कार्य योजना है, क्योंकि पानी पर्याप्त है। इसलिए इन 1,300 तालाबों में जो 766 गांव के आते हैं, पानी देने का काम अप्रैल के सेकंड वीक के बाद हम प्रारंभ कर देंगे। जल उपभोक्ता समिति बैठक भी हो रही है और ये इससे 2 फायदा होगा। इन गांव में जो पीने के पानी का जल स्तर में ऊपर आ जाएगा और निस्तार का संकट जो है उससे भी दूर होगी। श्रम विभाग के नए पंजीयन कराए जा रहे हैं, एक मेगा कैंप मई के सेकंड वीक में होगा रायपुर धमतरी बड़ौदा बाजार में, और जो पंजीयन करने वाले हितग्राही जिनका होगा उन्हें सामग्री वितरण का काम करेंगे। यहाँ दीनदयाल अन्नपूर्णा योजना में
₹5 में पका हुआ गरम खाना देने की योजना शुरू किए हैं मजदूरों के लिए। इसको रायपुर में 4 स्थानों में बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में जो 30,000 का कार्ड बनता था वो उसको 50,000 कर दिया गया है। टारगेट है 100% लोग जो पात्र हितग्राही हैं उनके कार्ड आने वाले समय में बन जाए। प्रमाण पत्र बच्चों को पूरा का पूरा सबको मिल जाए, इसके लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। रायपुर शहर में बैठे हैं, रायपुर के लिए जो महत्वपूर्ण योजना है जिसकी समीक्षा किया है, जो बड़ी योजना जो चल रही है रेलवे स्टेशन से केंद्रीय एनएच तक 10.2 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे 450 करोड़ के लागत के, ये नैरोगेज के बाद इसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक्सप्रेस हाईवे। सितंबर 2012 तक इसको पूर्ण किया जाएगा बहुत ही तेजी के साथ। इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण अभियान हमारा चल रहा है और इसको हम रायपुर के ट्रैफिक के प्रॉब्लम से कुछ निजात भी मिलेगा। दुर्ग रायपुर बाईपास ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो रायपुर दुर्ग भिलाई को एक सूत्र में पिरो देगा। एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर, नया सड़क ग्रीनफील्ड में 4,300 करोड़ का बन रहा है। 4 लेन और दोनों तरफ 7-7 फीट का सर्विस लेन होगा। टेढ़े सरा से लेकर आरंग तक वर्तमान जो रोड है उसकी लंबाई 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके आसपास मास्टर प्लान बना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। भू अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। ये रायपुर के लिए और रायपुर से लेकर दुर्ग और भिलाई तक के लिए एक बहुत बड़ा कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिसे हम इकोनॉमिक कॉरिडोर ही कहेंगे, जो इस क्षेत्र में आर्थिक रूप से वहाँ हाउसिंग सेक्टर होंगे, वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी आएगी, वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी भी आएगी। सड़क इतनी चौड़ी सड़क और इतनी बड़ी सड़क बन रही है कि उसका उपयोग रायपुर के शहर के और दुर्ग भिलाई के विस्तार के लिए काम आएगा। टाटीबंध से धनेली 14 किलोमीटर बाईपास 4 लेन, बिलासपुर तक का कार जो है वो प्रगति पर है, ये 1 माह में इसमें 2 लेन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। धनेली से जोरा बाईपास विधानसभा होकर पूर्ण हो गया है। इस प्रकार रायपुर के आउटरिंग रोड जो 3 अलग अलग श्रृंखला है वो तीनों टाटीबंध से धनेली, धनेली से जोरा और ये तीनों आउटरिंग रोड बन जाएगा। तो ये आने वाले 20-25 साल के लिए ट्रैफिक प्रॉब्लम को देखकर कार्य योजना के रूप में काम किया गया है। टाटीबंध चौक में 5 सड़क मिल रही है। यहाँ एनएचएआई से फ्लाईओवर बनाने के लिए अभी मंत्री जी गए थे तो बात किया है, उन्होंने कहा डीपीआर भेजे तो इसको आगे स्वीकृत भी किया जाएगा। रायपुर धमतरी 4 लेन कार्य काफी तेजी से चल रहा है, 1,400 करोड़ का। रायपुर कुरुद विशाखापट्टनम 4 लेन भारतमाला में स्वीकृत हुआ है, ये भी 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। रायपुर सरायपाली 150 किलोमीटर 1,232 करोड़ का 4 लेन, ये पूर्णता की ओर है। इस प्रकार रायपुर शहर को ध्यान में रखकर आने वाले 20 साल के लिए ट्रैफिक के कैसे मैनेज करना है, नए रिंग रोड का निर्माण, जो हमारे पुराने रेलवे लाइन नैरोगेज था उस पर लाइन का विस्तार एक्सप्रेस हाईवे का, और रायपुर को दूसरे योजनाओं से जोड़कर जैसे एक एजुकेशन सिटी 18 एकड़ में 40 करोड़ का बना रहे हैं जिसमें 1030 बच्चे पढ़ेंगे, ये एक बहुत ही बढ़िया शिक्षा का परिसर तैयार हो रहा है जो सर्व सुविधा युक्त है। डुंडा का एजुकेशन सिटी अनुसूचित जाति जनजाति बच्चों के लिए एक एजुकेशन सिटी का निर्माण हो रहा है। ऑक्सीजोन एनआईटी के बाद 6 एकड़ में डीएमएफ से 15 करोड़, 100 स्मार्ट स्कूल की स्थापना यहाँ पे हुई है, 100 स्मार्ट आंगनबाड़ी, कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण काम, कलेक्ट्रेट के पास 19 एकड़ में 1,400 करोड़ के ऑक्सीजोन का निर्माण, बाबों की कुटिया 150 ओपन जिम और बहुत सारी योजनाओं का यहाँ पे क्रियान्वयन हो रहा है जो आम नागरिकों की सुविधा को, एजुकेशन की सुविधा को, दूसरी सुविधा को बढ़ाने के काम करें। तो आज मुझे खुशी है कि समीक्षा बैठक में तीनों जिलों के प्रोग्रेस रिपोर्ट को माननीय सांसद महोदय मेरे साथ थे, रमेश भाई जी, अजय चंद्राकर जी थे और हमारे चीफ सेक्रेटरी और सभी वरिष्ठ अधिकारी थे, उसकी हमने समीक्षा की। लोक सुराज को लेकर और किसी विषय को लेकर अब आप प्रश्न कर सकते हैं। 2005 में
लोक प्राधिकार ने शुरुआत की थी, तब आपका इंस्पेक्शन लेवल कितने पौधे पे था और आज इंस्पेक्शन लेवल? देखिए, पहले तो शुरुआत में ये जितनी योजनाओं को बेहतर करने का काम किया, राशन की दुकानों में हालत खराब थी, राशन दुकान खुलता नहीं था, राशन दुकान में लोग लीकेजेस की बात करते थे, दुकान नहीं खुल रही है, मिल नहीं रहा है, नाम नहीं जुड़ा हुआ है, प्राइवेट दुकानदार थे, तंग करते थे, सड़क की हालत खराब थी, नए स्कूल का निर्माण की बात होती, इतने सारे प्रॉब्लम एक साथ लोक स्वराज में शुरुआत में आए। उन्हीं से सीख लेकर ये जितनी योजनाएं आज, यदि पीडीएस मॉडल बन गया, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम पारदर्शी होने का काम हो गया, लोगों को पेंशन और दूसरे कामों में बेहतर तरीके से सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम किया, और निर्माण के काम और विकास काम, बिजली की हालत मैं जानता हूं, उस समय कितने वोल्टेज के प्रॉब्लम रहते थे, कितना एप्लीकेशन 132-220 का और इस ट्रांसफार्मर का आता था। आज पूरे प्रदेश घूमने के बाद मैं कह सकता हूं कि बिजली में भी एक स्थिरता आई है, बिजली के डिमांड अब एप्लीकेशन आने भी कम हो गए हैं। तो आज 2005 से 18 में अब मैं कह सकता हूं कि लोक स्वराज का धीरे धीरे सतत निगरानी की प्रक्रिया को जब मजबूत की है और एक सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू हुआ, तो ये शिकायतों आज शिकायत का प्रतिशत में गिरावट आना, डिमांड में बढ़ोतरी होना, तो यदि 2-3% शिकायत में गिरावट आती है तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, आवास मांग रहे हैं और दूसरे गैस सिलेंडर मांग रहे हैं, पेंशन मांग रहे हैं, तो अच्छा है, सरकार से ये उम्मीद उनकी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा काम उनके हो जाएंगे, तो डिमांड बढ़ा है। आज आपने राजधानी और कनेक्टिंग की समीक्षा बैठक की है, उसमें हेल्थ एजुकेशन और एनवायरमेंट में ऐसी कौन सी शिकायतें आई, खासतौर पर बड़ौदा बाजार को अगर लेकर बात करें? देखिए, शिकायत तो पूरे के पूरे जो आवेदन आते हैं, आवेदन की संख्या मैंने बताया नहीं, आवेदन की जो संख्या है वो इतनी बड़ी संख्या है जिसपे अलग अलग विषय में रायपुर में जो आवेदन आए 1,70,000, बड़ौदाबाजारे 2,20,000, धमतरी में 1,10,000, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हुए, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य से लेकर मजदूरी भुगतान से लेकर हैंडपंप, बिजली, ट्रांसफार्मर, इन्वायरमेंट के लिए संबंध में कोई ऐसा स्पेसिफिक विषय आज चर्चा में नहीं आया। सर, मैं आपके नाम सर तरुणा के बाद की गांव में शक्ति घाट आजादी के बाद आज तक गाँव में बिजली नहीं पहुंची, खंबे भी लगा दिए हैं, बीच में छोड़ दिए हैं, रायपुर से लगा इलाका है वहां से गाँव में तरुणा से लगा इलाका है, तो शक्ति घाट आज की वहां कम से कम 100 परिवार रहते हैं, तो बिजली यहाँ नहीं, हमारा लक्ष्य तो 100% ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति को सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाया इसलिए है कि कोई हाउस होल्ड को छोड़ना नहीं है, बीपीएल है उसको निःशुल्क दे रहे हैं, जो बीपीएल से ऊपर है उनको 50 रुपया मासिक लेके 10 महीने में 500 रुपया ले रहे हैं, मगर यदि आपने बहुत अच्छा बताया है वो होगा तो उसको भी सत कर देंगे। सर, मैं आपको घूम काफी लग रहा था कि आप गांव का घूम रहे हैं, किसानों की लंबे समय से मांग है धान का बोनस देगी, कुछ एक वर्ष कर दीजिएगा कि बताए बाकी, तो किसानों को स्टैंड क्या नजर आया, आप जो गांव जा रहे हैं दौरा कर रहे हैं, तो किसानों को क्या रुख है? उनको बहुत खुशी है कि पिछले साल का दिया, इस साल का घोषणा हो गया, इस साल का भी मिलेगा, और संतुष्टि का लेवल ये है कि कभी किसी ने इस विषय को लेकर अलग से कोई प्रश्न ही नहीं किया, सेटिस्फेक्शन लेवल ये है। आज अवनपुर के मंदलोर में समाधान शिविर लगा था, वहाँ जो अधिकारी कहते हैं जो ग्रामीणों में जो शिकायतें मिली थी वही सोच से चले आए थे, बाद में विधायक ने जाकर उसको थाने में जमा कराया है कि मामला आज का ही है, जब आप यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे उसमें विधायक उन तमाम आवेदनों को लेकर थाने में मौजूद थे। कौन विधायक? ठीक है, राजनीति करना ही है उनको। डॉक्टर साहब, मैं गिरीश केसरवानी, इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर से। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य क्षेत्र में इतना काम कर रहे बावजूद इसके रायपुर शहर में पीलिया का प्रकोप हर साल बढ़ते ही जा रहा है, आज इसकी चर्चा हम लोगों ने किया, पीलिया का कुछ न कुछ एक दो बस्तियों में इसका असर या तो दूषित पेयजल की वजह से होता है, पाइपलाइन की वजह से होता है, और संक्रामक रोग भी इस गर्मियों में मक्खी और खुले फल खाने से और खुले चीज खाने से वो पीलिया का असर भी होता है, मगर आज हमने यही कहा कि
इस बार हम अभी से सतर्क हो जाएं, एक केस भी शुरुआत आइडेंटिफाई हुआ है तो पानी की क्वालिटी का टेस्ट करें, और जहां इस प्रकार की किसी भी वार्ड में शिकायत आती है तो उसको ड्रिंकिंग वाटर में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे सोर्स से जोड़ा जाए या उनको टैंकर से परे जाए, मगर ऐसा कोई दूसरे सोर्स के बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास पीएचई भी कर रहा है और यहाँ के नगर निगम भी कर रहे हैं। नहीं, वहाँ आपको बता दूं कि पास के 2 किलोमीटर गांव से सोर्स मिला है, उस सोर्स से पानी लाके उनको दिया जा रहा है और वहाँ के भी 2 नलकूप बेहतर है जिसमें पानी दिया जा रहा है, टैंकर की व्यवस्था भी उस गांव में की गई है, तो अब वहाँ उस सोर्स को बंद कर दिया गया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम माना जा रहा है कि हुआ है, उसको भी उसको बंद कर दिया। हर सप्ताह जो है जनरेशन होते मुख्यमंत्री देखिए, पूरा एक प्रकार से लोक स्वराज अभियान में पूरा प्रदेश गतिशील होता है और इस बार तो लोक स्वराज में हमारे विधायक सांसद मंत्री भी घूमते रहे, गांव-गांव में लोगों से जाके मिलना और इस गांव के व्यक्ति को बड़ा अच्छा एहसास होता है कि चीफ सेक्रेटरी उसके साथ बैठा है, कलेक्टर उसके सामने बैठा है, सीओ जिला पंचायत बैठा है, जनप्रतिनिधि बैठे हैं उसके सामने बात कर रहे हैं, उसके सामने अपनी शिकायत बोल रहा है, शिकायत का निराकरण क्या हो सकता है उसके सामने होता है। एक प्रकार से पूरी पारदर्शिता के साथ हम इस पूरे काम को करते हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम को मोबिलाइज करने का, दिवाली में जैसे हम सफाई करते हैं सारे साल भर के जितने उल्टे सीधे चीज होते हैं उसको साफ करके डंप कर दें और बाकी नए सिरे से काम करें, तो जितने ऐसे प्रॉब्लम होते हैं उसको सबको समाप्त करके फिर आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो एक बड़ा अभियान जिसका लाभ जनता को भी मिलता है और जनसंपर्क अभियान में दूसरा फायदा होता है कि सीधे मेरी मुलाकात, मेरे मंत्रियों की मुलाकात, मेरे सांसदों की मुलाकात जनता से होता है, अपनी बात वो कहते हैं और अच्छी बात है, यदि कोई कमजोरियां बता रहे हैं, कोई शिकायत कर रहे हैं, कोई मांग पत्र रख रहे हैं तो ये तो उनका अधिकार है, उनको जनता के सामने कुछ बात सुनाते भी हैं कि आप ये नहीं हुआ पिछले बार भी दिया था, तो ये हमारे लिए सचेत करने वाला भी होता है कि कहीं यदि लोगों के मन में यदि नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करने का ये अवसर भी रहता है जब खुले सार्वजनिक रूप से हम उनके सामने बात करते हैं। हम 100% फ्री कर रहे हैं, हमारे पीएससी सीएससी और सारे सिस्टम में पूरा का पूरा पैथोलॉजी एक्सरे से लेकर सारे टेस्ट जो हमारे मरीजों के लिए वो फ्री रहेगा और फ्री सिस्टम में यदि किसी का यदि कोई हमारे पास किसी के पास वो उस हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है तो किसी को प्राइवेट को लगा दिया, पेमेंट तो सरकार ही करेगी, पेमेंट कोई दूसरा नहीं करेगा। चलिए थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसको रास्ते में पढ़ लेंगे, बाकी लोगों को भी थोड़ा रेस्क्यू करें, है ना, बाकी लोग। वक्त एक वेट कहेगा लॉट।